इस समय मैं देरा गली के उसी इलाके में हूं जहां आज आतंकियों ने घात लगाकर भारतीय सेना की दो गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 3 जवान जो है वो घायल हैं। आपको बता दें, इस समय मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जवान जो हैं वो तैनात हैं और किसी भी गाड़ी को उस तरफ जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही, क्योंकि आगे जो है इनकाउंटर चल रहा है और अभी भी वहाँ से रुक रुक के गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये जो इलाका है, इस इलाके में पहले भी एक बार भारतीय सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। आपको बता दें, उसी इलाके में आज फिर आतंकियों ने घात लगाई है और घात लगाकर भारतीय सेना की दो गाड़ियों पर हमला किया है, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं और 3 जवान जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। अगर इस इलाके की बात करें तो पूरे इलाके को भारतीय सेना ने जो है वो कार्डन कर लिया है और बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में जो है वो अभी भी सर्च चल रही है। आपको बता दें, ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना की गाड़ियां जो है उसी तरफ जा रही हैं जहां पर इनकाउंटर जो है वो चल रहा है। बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में जो है वो सर्च चल रही है और आपको बता दें, रुक रुक के अभी भी गोलियों की आवाज़ इस इलाके में सुनाई दे रही है। कैमरामैन निपुण खजूरिया के साथ सनी शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, पुंछ।